आज की आवाज न्यूज ने एक ऐसे परिवार से खास बातचीत की। यह परिवार गोरी नगर में निवास करता है। इस परिवार की तकलीफ की अगर बात करें तो शायद इससे दुखी कोई नहीं होगा। 14 वर्षीय हेमंत, पिता राधा किशन विश्वकर्मा, ये लड़का पूरे शरीर से विकलांग है। साथ ही इसकी बड़ी बहन दुर्गा भी मानसिक रूप से पीड़ित है। दोनों बच्चे अपंगता का जीवन जी रहे हैं। कोई भी शासन प्रशासन इनकी पीड़ा पर ध्यान नहीं देता। इनकी तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि क्या कोई इनकी मदद के लिए सामने आएगा। ये माँ बाप कर रहे हैं गुहार, कई जगह जा चुके हैं अपनी फरियाद लेकर, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। आज की आवाज टीम ने उठाया मुद्दा। आज की आवाज न्यूज ने एक ऐसे परिवार से खास बातचीत की। यह परिवार गोरी नगर में निवास करता है। इस परिवार की तकलीफ की अगर बात करें तो शायद इससे दुखी कोई नहीं होगा। 14 वर्षीय हेमंत, पिता राधा किशन विश्वकर्मा, ये लड़का पूरे शरीर से विकलांग है। साथ ही इसकी बड़ी बहन दुर्गा भी मानसिक रूप से पीड़ित है। दोनों बच्चे अपंगता का जीवन जी रहे हैं। कोई भी शासन प्रशासन इनकी पीड़ा पर ध्यान नहीं देता। इनकी तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि मैं मनोज सिंह आज की आवाज़ से, आज हम एक ऐसे परिवार से मिलने आए हैं जो कि उनके दोनों बच्चे देखें कि अपन किस प्रकार से उनका जो लड़का है किस प्रकार से उसकी स्थिति है। वो पूर्ण रूप से हाथ पैरों से विकलांग है, ना कुछ बात कर पाता है, ना ही किसी प्रकार से वर्क कर पाता है। उनकी जो माताजी हैं उनका ये कहना है कि किसी टाइम में मतलब उनको नगर निगम से कुछ पेंशन के रूप में नगर निगम से 150 रुपये की कुछ आर्थिक स्थिति मिलती थी, जो कि पेंशन अभी 1.5 साल से बंद कर दी गई है। किस प्रकार से बंद हुई है ये कई बार इनको पूछना रहा, बाकी अभी निगम ने भी इसका तो कोई क्लियर नहीं करा है। इनको कहा जाता है कि आप जो है कलेक्टर जाके बात करिए, आखिर कौन इनकी इस परिवार की इस पीड़ा को समझेगा। देखें उनकी जो लड़की है वो भी पूर्ण रूप से उसकी स्थिति भी ऐसी कुछ नहीं है, वो गरीब परिवार से है। ये परिवार को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। तो हम एक मीडिया के मार्फत हम इन लोगों की मदद करना चाहते हैं कि अगर इनका कहीं से कुछ फर्क पड़ता है या किसी से कोई इनको मदद मिलती है तो किस प्रकार से कौन मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, आइए देखते हैं। हम हमारे चैनल के साथ में इनकी पूरी समस्या जो है, इनकी जो पीड़ा है वो आम पब्लिक के सामने ला रहे हैं। तो देखिए कौन इनकी मदद करता है, तो किस प्रकार से इनकी मदद होती है। मैं मनोज सिंह।